सेहत सुधारने के लिए आप मजेदार पीले चने खा रहे हैं तो संभल जाइए, यह नुकसान पहुंचा सकते हैं। कारोबारी कमाई की लालच में भुने सिंथेटिक चने हानिकारक रंग लगाकर पीला बना रहे हैं। चने के धंधे के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ का भंडाफोड़ बुधवार को अन्न व औषधि विभाग ने किया। विभाग ने 500 किलो फुटाने जब्त किए हैं। कुल 33,000 के फुटाने जब्त करने के साथ ही इसकी सैंपलिंग करते हुए जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस दौरान बाजार में संगदाने को पिस्ता बनाकर बेचने वालों पर भी छापामार कार्रवाई की गई। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए अक्ष और औषधि विभाग लगातार नजर रखता है। कई व्यवसायी ज्यादा मुनाफे की लालच में खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। गुरुवार को हंसापुरी के आयुष फूड में विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। वहां से 500 किलो फुटाने जब्त किए गए। फुटाने को आकर्षित बनाने के लिए व्यवसायी ने पीला रंग चढ़ाया था। फुटानों को रंग देखकर अच्छी क्वालिटी के दिखाने की कोशिश की गई है। विभाग ने 2 सैंपल लिए हैं जिसे जांच के लिए भेजा गया है। यहां बता दें कि आरोमिन खाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। इस वजह से सरकार ने इसे खाने में प्रयोग करने से प्रतिबंधित किया है। दरअसल चने को ज्यादा करारा और स्वाद में बेहतर बनाने के लिए हल्दी लगाकर भी भुना जाता है। इससे छिलका काला नहीं होता और चना देखने में भी अच्छा लगता है। हल्दी की वजह से चना हेल्दी होता है, लेकिन खेल यहीं पर होता है। हल्दी को पानी में घोलकर कच्चे चने पर लगाया जाता है, क्योंकि हल्दी महंगी पड़ती है इसलिए सस्ती हल्दी का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे चने का रंग खराब हो जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए हल्दी के साथ ही सिंथेटिक रंग आरोमिन को मिला देते हैं। अब भुनने के बाद भी चने का रंग चटकदार पीला बना रहता है, छिलके एकदम काले नहीं पड़ते। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।